ओम अग्नि ज्योति ज्योतिर्ग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा ज्योति अग्नि सूर्य ज्योति स्वाहा ओम चंद्रमा मनसो चात चक्षो सूर्यो अदायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरदायत ओम अग्निं प्रज्वलितं वंदे धातुवेदं हुतासनं ऋणवर्णमन्नम अनंतं विश्वं अग्निर्मयं धातुवेदं ब्रह्म साक्षिन्नं प्रत्यक्ष देवाय नमः। भौतिक देव रूपस्थं ब्रह्म साक्षि अग्निकृते
सभी मेहमानों का, अध्यक्ष कौजे जी का, व्यवस्थापक जी का सबका धन्यवाद करेंगे और इसके बाद एक ब्रेक रहेगा। ब्रेक के बाद हमारा जो सत्र का पहला शुरू होगा सीखने का। धन्यवाद के लिए मैं धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज के आधुनिक युग में जहाँ कीमत के बिना कोई कार्य नहीं होता, हम लोग पैसे की प्रवृत्ति है उस ओर भागते रहते हैं। उस दौर में हम सब लोग, जैसे ये अभी धर्मपाल जी ने मिलवाया तो बोले हम सब अवैतनिक कार्य करते हैं। तो जब भी कोई संस्था मन से अवैतनिक कार्य करती है तो सच मानिए उसकी जो खुशी होती है उसकी कोई भी कीमत नहीं है। तो हम सब उस खुशी में शामिल हैं। मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगता है ऐसे महानुभावों से मिलते जो मन से कार्य करते हैं। और कला जो है वो एक जीने की कला सिखाती है। कोई भी कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो संगीत हो, साहित्य हो, जब तक हमारे अंदर कोई कला की प्रवृत्ति नहीं है, हम कला का सम्मान नहीं करते, तब तक हम लोग सच मानिए एक नीरस जीवन जी रहे हैं। तो हम सबके बीच में नीरसता नहीं है। हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बहुत ही स्वस्थ और बढ़िया जीवन जी रहे हैं और अपने अंदर के इंसान को पहचान रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर आए सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पर इस विद्यालय की ओर से जो हमें सहयोग मिला, जैसे उन्होंने कहा कि हम आपका आभार करते हैं और सचमुच एक दूसरे के हम आभारी हैं कि हम लोग अच्छे व्यक्तित्व एक हो गए हैं और एक अच्छा कार्य करने मिलकर जा रहे हैं। महावीर गुरु जी आए, मुझे पहले भी उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और आप देखिए महावीर गुरु जी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। वो मुस्कुराहट किस लिए है? क्योंकि उनके अंदर एक कला, वो कला को जी रहे हैं। तो जो भी इंसान कला को जीता है, कला का सम्मान करता है, सचमुच उसका जो चेहरा है वो दमकता है। तो हम मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर सभी लोग जो उपस्थित हैं सभी के अंदर और उनके चेहरे दमकते रहें और मैं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का तहे दिल से पूरी इकाई की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी के सहयोग के लिए मैं सभी के नाम नहीं जानती, लेकिन आप सभी पूरी इकाई का बारह इंच की डिलीवरी नहीं आता।